अजो भी सभी वेलकम टू लो, आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल और आपके अपने एप्लीकेशन फिजिक्स बाय कृष्णादत्त कश्यप में। आज वो भी सभी एक बार जुड़ जाओ, आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बातचीत करते हैं भैया। तो हमारा जो सीरीज चल रही थी ऑप्टिक्स एंड लेजर में, उसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे, यूनिट सेकेंड चल रही थी हमारी, टॉपिक पढ़ेंगे हम फ्रेनल डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज पे। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसमें से आपका लॉन्ग क्वेश्चन ऑप्टिक्स एंड लेजर में से जरूर बनता है, यहाँ से एक लॉन्ग क्वेश्चन आता है। ठीक है भाई, एक बार सभी जुड़ जाओ और थंब कर दो, मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसे आ रही है आप सभी को, जल्दी आ जाओ, जुड़ जाओ भाई। एक बार सभी जुड़ जाओ भाई, एक बार सभी जुड़ जाओ भाई। ठीक है भाई, यहां से आपका 7.5 मार्क्स का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है भाई, तो एक बार सभी जुड़ जाओ और एक बार थंब कर दो, मेरी वॉइस और डिस्प्ले कैसी आ रही है आप सभी को, नमस्कार जी, नमस्कार जी भाई, जल्दी आ जाओ, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है भैया यो, और यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है भैया, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है 7.5 मार्क्स में। ठीक है भाई, इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया यो, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है भैया यो, 7.5 मार्क्स में आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक है भैया, और जो सेमेस्टर सिस्टम से है यहाँ से 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन बन जाता है भैया। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक बार स्टार्ट करते हैं, एक बार सभी थंब कर दो भैया। ठीक है, बहुत बढ़िया, आ जाओ सभी एक बार। देखो भाई, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा आपको, मैं एक बार इसका क्वेश्चन बताता हूँ किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है भैया, क्वेश्चन पता होना बहुत ज़रूरी है जब भी इसके बारे में बातचीत करेंगे आगे। ठीक है भाई, तो क्वेश्चन कैसे आता है एक बार ध्यान से समझ लो, क्वेश्चन कैसे बनता है इसका। ठीक है भैया, आवश्यक आवश्यक क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है, आवश्यक सिद्धांत सहित, आवश्यक सिद्धांत सहित, जो हिंदी मीडियम वाले भी वे भी साथ साथ नोट करते रहे होंगे भैया, एक रुजू कोर के लिए फ्रेनल वर्ग के विवर्तन का वर्णन कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में, विवर्तन प्रतिरूप में तीव्रता वितरण को प्रदर्शित कीजिए तथा इसके लक्षणों की विवेचना कीजिए। ठीक है, अभी और भी है, आप प्रकाश के तरंग दैर्ध्य के निर्धारण के लिए इसका उपयोग किस प्रकार करेंगे
किस प्रकार करेंगे? जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या ना। गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग। एक बार क्वेश्चन नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं भैया। और एक बार टॉपिक के बारे में बता दूं मैं। टॉपिक है हमारा यूनिट ऑप्टिक्स एंड लेजर का, यूनिट सेकंड टॉपिक है फ्रेनल डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज के नाम से। ठीक है भैया, तो बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, फिर इसका दूसरा भी तरीका बताऊंगा आपको, क्वेश्चन में कैसे पहचान करनी है। ठीक है भैया, हिंदी वाले क्वेश्चन में देखो, चलो मैं अभी इंग्लिश वालों को और लिख देता हूँ एक बार, फिर क्वेश्चन की पहचान बताऊंगा एग्जाम में जाकर कैसे करनी है आपको। ठीक है भाई, तो इंग्लिश वालों का भी क्वेश्चन है, डिस्क्राइब डिस्क्राइब विद नेसेसरी थ्योरी, विद नेसेसरी नेसेसरी थ्योरी, नेसेसरी थ्योरी द फ्रेनल टाइप ऑफ, द फ्रेनल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, फ्रेनल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए, ड्यू टू ए, ड्यू टू ए स्टेट इज, ड्यू टू ए स्टेट इज सो द इंटेंसिटी, सो द इंटेंसिटी ए डिस्ट्रीब्यूशन, इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, साथ साथ नोट करते रहो, क्वेश्चन इसका बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर बनता है यहाँ से। डिफ्रैक्शन पैटर्न, डिफ्रैक्शन पैटर्न एंड कमेंट टोन, एंड कमेंट टोन इट्स फीचर्स, इट्स फीचर्स। ठीक है भैया, हाउ वुड यू, हाउ वुड यू यूज इट टू डिटरमाइन, इट टू डिटरमाइन डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट। एक तरीका भैया यो है क्वेश्चन पूछे जाने का, इसका एक बार क्वेश्चन बताता हूँ मैं कैसे आप एग्जाम में जाके इसकी पहचान करोगे। आपको सबसे पहले जो हिंदी वाले हैं उसे ये रिजु कोर पढ़ना है भैया, ये वाला पढ़ना है, और आपको ये पढ़ना कि फ्रेनल वर्ग का विवर्तन का वर्णन। ठीक है भैया, यहाँ से हिंदी वाले पहचान करेंगे रिजु कोर से, और इंग्लिश वाले कहाँ से पहचान करेंगे? इंग्लिश वाले पहचान करेंगे स्ट्रेट एज से। ठीक है भैया, कहाँ से पहचान करेंगे? स्ट्रेट एज से। ठीक है भैया, और फिर पहले स्ट्रेट एज पढ़ेंगे और फिर यहाँ से देखेंगे फ्रेनल टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन ड्यू टू ए स्ट्रेट एज। ठीक है भैया, यहाँ तक का आप इस तरीके से। लेकिन सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर जो इसका पूछे जाने का तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ किस प्रकार से पूछा जाता है। एक बार सभी नोट करने के बाद थंब कर देंगे भैया। ठीक है, और इसका दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका क्या पूछे जाने का, एक बार वो भी देख लेते हैं भैया, एक बार वो भी देख लेते हैं दूसरा तरीका क्या है। तो इस वाले तरीके से ज्यादा बार पूछा गया, इस वाले तरीके से क्वेश्चन टाइप इस वाले से ज्यादा बार पूछा गया भैया यो। ठीक है भैया, इस वाले से ज्यादा बार पूछा गया कि एक रेजर ब्लेड, रेजर ब्लेड के नाम से। ठीक है भैया, एक रेजर ब्लेड जो हमारे घरों में यूज होता है, रेजर ब्लेड की तेज धार, तेज धार, तेज धार को ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वरत, ऊर्ध्वरत इसकी, इसकी कोर के, इसकी कोर के समांतर रखी, समांतर रखी, समांतर रखी संकीर्ण, समांतर रखी संकीर्ण स्लिट, संकीर्ण स्लिट से आने वाले, संकीर्ण स्लिट से आने वाले एक वर्णी प्रकाश, एक वर्णी प्रकाश पुंज में, प्रकाश पुंज में रखा गया है, रखा गया है। ठीक है भैया, ब्लेड के पीछे रखे, ब्लेड
के पीछे रखे एक पर्दे पर भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न 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 स्थानों पर भिन्न भिन्न स्थानों पर प्रकाश की तीव्रताओं की प्रकाश की तीव्रताओं की व्याख्या कीजिए, तीव्रताओं की व्याख्या कीजिए। ठीक है भैया। और इंग्लिश में पूछा जाएगा यो ए शार्प, क्वेश्चन का पता होना बहुत जरूरी है, जब भी आप क्वेश्चन कर पाते हो एग्जाम में। ठीक है भैया। शार्प रेजर ब्लेड इज हेल्ड वर्टिकली इन ए बीम ऑफ मोनोक्रोमेटिक मोनोक्रोमेटिक लाइट कमिंग फ्रॉम ए नैरो स्लिट पैरेलल पैरेलल टू द एज ऑफ द ब्लेड एज ऑफ द ब्लेड। ठीक है भैया। एज ऑफ द ब्लेड। ठीक है। डिस्कस डिस्कस द पोजिशन एंड इंटेंसिटीज इंटेंसिटी ऑब्जर्व ऑन ए स्क्रीन प्लेस बिहाइंड बिहाइंड द ब्लेड। तो भैया ये इसके पैटर्न थे क्वेश्चन के पूछे जाने के। अब आप इस वाले क्वेश्चन में इस तरीके से सबसे ज्यादा इसका तरीका जो है देखो, ये रेजर ब्लेड पहचान करना हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, यहाँ से ए शार्प रेजर ब्लेड। ठीक है भैया। यहाँ से आप इन क्वेश्चनों की पहचान करेंगे। ठीक है भैया। और इन क्वेश्चनों को फिर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है भैया। देखते हैं फिर इस क्वेश्चन को एक बार, सभी ने नोट कर लिया हो तो सभी एक बार यस लिख देंगे भैया। एक बार सभी ने नोट कर लिया हो तो एक बार सभी यस लिख देंगे, फिर आगे चलते हैं हम। और फिर इसकी पूरी मतलब इसके डेरिवेशन पे और इसके और कहानी पे डिस्कस करते हैं। ठीक है भैया। जल्दी बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को, यस लिख दो एक बार यहां तक का नोट कर लिया हो तो। ये अभी तक क्वेश्चन पैटर्न ही चल रहा था भैया हमारा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब देखते हैं, अब इसकी एक बार थ्योरी देख लेते हैं। ठीक है भैया। इसकी एक बार डायग्राम देख लेते हैं, पहला डायग्राम कैसा है। तो मैं कह रहा हूं डिफ्रैक्शन 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 एट ए स्टेट इज, हेडिंग ये है इसकी छोटी सी स्टेट इज। ठीक है भैया। और हिंदी में ऐसा रिजुकोर पर विवर्तन रिजुकोर पर विवर्तन। ठीक है भैया। इसका एक बार डायग्राम देख लो अच्छा सा। ठीक है भैया। इसका एक बार डायग्राम देख लो किस प्रकार से इसका बनना, कि डायग्राम में से इसकी कहानी पता लगनी है हमें। ठीक है भैया। डायग्राम में से इसकी कहानी पता लगनी है हमें। ये इस तरीके से यहाँ पे एक सोर्स रखा हुआ है, मान लो सोर्स, और यहाँ से यहाँ पे एक, अभी चलो मैं अभी बना देता हूँ फिर बताता हूँ एक बार में। यहाँ पे एक पर्दा टाइप का कुछ इस प्रकार से, और ये सोर्स इसके सामने मान लो इस तरीके से काम करते हैं। इससे थोड़ा सा नीचे ले लेते ऊपर ले लेते। ठीक है भैया। देखो अब यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स है, मान लो सपोज करो ये इस तरीके का, मान लो ये पॉइंट है सोर्स है। अभी आप मेरे साथ डायग्राम बना लो फिर आपको बताता हूँ इसके बारे में किस प्रकार से, कि कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर रेजर ब्लेड रखा है, ये इसका किनारा। एक बार सभी डायग्राम बना लो भी मेरे साथ, ठीक है, फिर आगे देखते हैं। और फिर मैं इस डायग्राम की चीज़ें बताता हूँ फिर आपको, ठीक है भाई। एक बार सभी डायग्राम बना लो भैया। और एक बार बनाने के बाद सभी थंब कर दो ना भाई, ठीक है। ठीक है भाई, एक बार सभी बता देना भाई, हो गया हो तो सभी का, ठीक है भाई। एक बार सभी थंब कर देना भैया। बन गया भाई सभी का डायग्राम। अब मैं आपको इस डायग्राम की कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, ठीक है, इस डायग्राम से रिलेटेड कुछ चीज़ें लिखवा देता हूँ, ठीक है। तो अभी आपको डायग्राम में समझ में भी आ जाएगी वे चीज़ें, एक बार सभी नोट भी कर लो फिर पता लग जाएगा। लेट लेट जो आपको ये एस दिखाई दे रहा है ये क्या है, लेट कैपिटल एस बी ए नैरो, ये एक नैरो स्लिट दिखाई होगी कैपिटल एस। डायग्राम में देखते रहिए जोन जोन सी चीज मैं आपको बता रहा हूँ। नैरो स्लिट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और कैसे है ये, परपेंडिकुलर है प्लेन से, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, टू द प्लेन ऑफ द पेपर, ऑफ द पेपर, ठीक है भाई। ये जो आपको एस दिखाई दे रही होगी, ठीक है भाई, एक बार डायग्राम में भी मैच करते रहो। जो आपको ये एस दिखाई दे रही है ये वाली,
ये आपको क्या है, एक नैरो स्लिट है जो कि पेपर प्लेन के कैसे है, परपेंडिकुलर है। ठीक है भैया, हिंदी वाले भी साथ साथ नोट करते रहे, मैं समझते रहे मैं। ठीक है, देखो भाई, एंड इल्यूमिनेटेड यानी कि चमक रही है, इल्यूमिनेटेड इल्यूमिनेटेड विद मोनोक्रोमेटिक लाइट। इसमें जो लाइट है वो कैसी है भैया, मोनोक्रोमेटिक 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 लाइट। ठीक है भैया, जल्दी से बताओ, यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। और उस मोनोक्रोमेटिक लाइट की वेवलेंथ है, लाइट ऑफ द वेवलेंथ लैम्डा, ऑफ वेवलेंथ लैम्डा। ठीक है भाई, कोई दिक्कत समस्या ना। इसके आगे लेट ए बी ए बी ए बी बी द स्टेट स्टेट इज ऑफ एन ओपेक्यू ओपेक्यू ऑब्स्टेकल ऑब्स्टेकल। इसके सामने ए बी एक ऑब्स्टेकल लगाया हुआ है जिसे हमने क्या रखा भैया, रेजर ब्लेड, डेट इज रेजर ब्लेड। देखो भैया एक बार सभी, देखो भाई एक बार आप सभी देखोगे, यहाँ पे ये कैपिटल एस एक नैरो स्लिट है ये वाली, और इसके सामने यहाँ पे ए बी जो है ये वाला ए से लेकर और यहाँ तक का ये एक रेजर ब्लेड लगा रखा हमने। क्या लगा रखा भैया, रेजर ब्लेड ए बी। अब रेजर ब्लेड क्या करता है भैया, रेजर ब्लेड क्या करता है ये हमें ये देखना है, इसकी इसकी नोक है जो ये नोक है बनी हुई है, क्या वो डिफ्रैक्शन करता है। अगर डिफ्रैक्शन हुआ होगा, अगर ये रेजर ब्लेड भाई, रेजर ब्लेड एक बहुत बारीक चीज होती है, तो वो ये देखना चाहते हैं क्वेश्चन में कि रेजर ब्लेड से भी क्या डिफ्रैक्शन हो सकता है। तो यहाँ पे जो ये ए बी एक रेजर ब्लेड लगाया हुआ है, इस रेजर ब्लेड से मान लो अगर डिफ्रैक्शन हुआ होता तो इस क्या होता, इस वाले एरिया में ना क्या होती हमारे पास, शैडो मिलती, यानी कि अंधेरा मिलता, और ऊपरले वाला जो रीजन है यो एम से लेकर पी वाला रीजन जो है यो कैसा मिलता, चमकीला मिलेगा। अगर ऐसा हो रहा है कि इस रेजर ब्लेड को यहाँ पे लगाने पे, अगर मान लो यहाँ से यो स्लिट से कोई भी मान लो सोर्स से यो लाइट जा रही है, तो क्या होगा, अगर यो क्या कर रहा होगा, डिफ्रैक्शन कर रहा होगा, विवर्तन कर रहा होगा रेजर ब्लेड। तो भाई विवर्तन में तो हमें पता है कि इसके इस रेजर ब्लेड के तो पिछली साइड में लाइट आने की ना, और जब रेजर ब्लेड के पिछली साइड में लाइट ना आने की, तो ये वाला एरिया कैसा हो जाओगा, अंधकार वाला हो जाओगा, ज्योमेट्रिकल शैडो वाला हो जाओगा, यानी कि छाया मिलेगी। और ऊपर यो वाला ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक का, यानी कि यो वाला जो एरिया है एम से लेकर पी तक का, यो कैसा मिलेगा, चमकीला मिलेगा, अगर ऐसी कंडीशन रही तो। जल्दी से बताओ आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई अच्छे से, जल्दी से बताओ आप सभी को ये वाली बात समझ में आ गई अच्छे से। ठीक है, जल्दी बताओ भाई, समझ में आ गई ये वाली बात आपको बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, यानी कि अब आप अच्छे तरीके से समझ गए होगे कि हमें मतलब इसमें दिखाना क्या है। तो डेट इज रेजर ब्लेड। ठीक है, और ये कैसा है, मतलब कैसे लगा रखा, इस स्लिट के पैरेलल लगा रखा, रेजर ब्लेड प्लेस प्लेस पैरेलल टू द पैरेलल टू द पैरेलल टू द स्लिट पैरेलल टू द स्लिट। ठीक है भैया, लेट इसके सामने जो ये एक्स वाई दिखाई दे रही है आपको, ये जो एक्स वाई आपको दिखाई दे रही है ये क्या है भैया, देखो एक बार ध्यान से, ये जो आपको एक्स और वाई दिखाई दे रही है एक पर्दा है, क्या है, स्क्रीन है। ठीक है भैया, तो स्क्रीन को देखते हैं एक बार, लेट एक्स वाई बी ए स्क्रीन बी ए स्क्रीन पैरेलल टू पैरेलल टू ए बी, ए बी के पैरेलल है भैया, और ये स्क्रीन है लेट, और हम क्या करते हैं, लेट एस से बी ज्वाइन, मान लो एस से को क्या करते हैं, मिलाते हैं, बी ज्वाइन एंड प्रोड्यूस एंड प्रोड्यूस्ड एंड प्रोड्यूस टू मीट प्रोड्यूस टू मीट द स्क्रीन इन कैपिटल एम। ठीक है भैया, देखो भाई एक बार मैंने क्या करा, ये जो एक पर्दा हमें दिखाई दे रहा है भैया,
ये वाला जो पर्दा हमें दिखाई दे रहा है, ये वाला एक्स वाई वाला पर्दा जो है, ठीक है। अब यहाँ से एस ए को मिलाएंगे, जब हम एस ए को आगे मिलाते हैं, आगे मिलाते हैं, ये मिल गई यहाँ पे, तो ये हमें कहाँ पे मिलती है, मतलब ए एस ए को एस आगे बढ़ रहे हैं हम, ये एम पे मिल रही है, ठीक है भाई, आपको दिखाई दे रहा होगा एम पे मिल रही है, ठीक है भैया। तो इस तरीके से ये तो डायग्राम के बारे में आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, जल्दी से बताओ ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी डायग्राम में, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, अब क्या बताया, एक बार ध्यान से समझो, अब डायग्राम को देख लो एक बार भैया सभी, एक बार डायग्राम को देख लो, ये वाली बात तो आपको क्लियर होगी होगी। देखो इसमें क्या होता है, ये वाला जो आपको रीजन दिखाई दे रहा है, ये वाला एम से लेकर पी वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है, ऊपर यहाँ पे क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा, उजाला मिलेगा, क्या मिलेगा, ये इस वाले पी से लेकर एम तक क्या मिलेगा, ये आपको उजाला मिलेगा, इल्यूमिनेटेड रीजन मिलेगा। लेकिन इसके नीचे नीचे क्या मिलेगा, अंधेरा मिलेगा, क्या मिलेगा भैया, अंधेरा मिलेगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अंधेरे पे देखो इस वाले एरिया में क्या रहेगा, इस वाले एरिया में इंटेंसिटी बहुत तेजी से गिरती है, आई की वैल्यू बहुत तेजी से गिरती है, और कहाँ तक जाती है, जीरो तक, ठीक है। और इस वाले एरिया में इंटेंसिटी की वैल्यू ऊपर ऊपर, इंटेंसिटी की वैल्यू कैसी होती है, मैक्सिमम होती है, ठीक है भैया। तो अब हमें क्या करना है, इंटेंसिटी देखनी है भैया इसकी, जल्दी से एक बार सभी नोट कर लो फिर आगे चलते हैं, ठीक है, जल्दी से एक बार सभी नोट कर लो फिर आगे चलते हैं। इसका एक छोटा सा ग्राफ भी बनता है, ठीक है भाई। अब क्या होगा, एम से नीचे नीचे जहां पे भी हमारी एम से नीचे नीचे इंटेंसिटी कम होती जा रही है, तो इस एरिया में कहीं ना कहीं एम से डिस्टेंस चलते के साथ ही, एम से कुछ डिस्टेंस चलते के साथ ही हमें कुछ डार्क बैंड मिलने स्टार्ट हो जाओगे, बिल्कुल अंधेरा मिलना स्टार्ट हो जाओगा, ठीक है भैया। और यही यही सिस्टम क्या कहलाता है हमारा, डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज, क्या कहलाता है, डिफ्रैक्शन एट ए स्ट्रेट एज, ठीक है भैया। चलो आगे चलते हैं अभी, चले भाई आगे, ये तो इसकी नॉर्मल थ्योरी होगी। अब हम देखते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन लाइट, तो ये तो इसके डायग्राम के बारे में बातचीत होगी भैया। अब हम देख लेते हैं इसकी एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड, एक्सप्लेनेशन ऑफ डिफ्रैक्शन बैंड, डिफ्रैक्शन बैंड, ठीक है भैया। इनके कारण क्या हुआ, देखो भाई अगर मैं आपसे कह लगूं, अगर मैं आपसे कह लगूं, हमें जो पी पॉइंट पे, पी पॉइंट दिखाई दे रहा आपको इस डायग्राम में, डायग्राम देखते रहिए, पॉइंट पी जो दिखाई दे रहा, इस पे हमें इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, तीव्रता निकालनी है भैया, क्या निकालनी है भैया, तीव्रता निकालनी है, इस पे हमें फाइंड करनी है। एक बार दिखा देता हूँ भैया, हमें पी पॉइंट पे जो हमारे पास डायग्राम था, इस डायग्राम में ये जो हमें पी पॉइंट दिखाई दे रहा है, ये वाला जो पी पॉइंट दिखाई देना, इस पे हमें इंटेंसिटी दिखानी है, ठीक है भैया। इस पे क्या बताना है, इस पी पॉइंट पे हमें इंटेंसिटी दिखानी है, ठीक है। तो पी पॉइंट पे इंटेंसिटी दिखाने के लिए कुछ किस प्रकार से देखना है, देखो भैया अगर मैं आपसे कह लगूँ, इसे जो पूरा यो एक वेव फ्रंट है, मान लो यो इस तरीके से जो वेव फ्रंट बनना था, मान लो ए ए इस तरीके से जो ये वेव फ्रंट था, यो आगे चल रही थी कहानी इस तरीके से, तो इसे इस वेव फ्रंट को दो हिस्सों में डिवाइडेड कर लिया हमने, एक हिस्सा तो ऊपर ले वाला ये वाला पोर्शन, और एक हिस्सा निचले वाला ये वाला पोर्शन, ठीक है भैया। तो इस वेव फ्रंट को दो हिस्सों में डिवाइड करने के बाद हमारे पास क्या कहानी बनी, एक बार देखो भाई ध्यान से, हमें पी पॉइंट पर इंटेंसिटी बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इस वाले पी को क्या मानना पड़ेगा, इस पी को हम क्या मान लेते हैं, पोल मान लेते हैं, और ई के रेस्पेक्ट, ओ के रेस्पेक्ट में इस पर रेडियस खींच लेते हैं,
ओके, रेस्पेक्ट में रेडियस खींच लेते हैं। तो पी को हमने क्या मान के, सेंटर पॉइंट मान के, और ओ से क्या खींच लेते हैं, रेडियस खींच लेते हैं। तो हमारे पास क्या क्या टर्म्स आती है एक बार देखो चेक करके, हमारे पास कौन कौन सी रेडियस आती है। एक तो आते हैं पी ओ प्लस, अगर पहले वाली है तो लैम्डा बाई टू, इसी प्रकार से दूसरे वाली आती है तो पी ओ प्लस 2λ/2, और ये जो नेक्स्ट टर्म्स है पी ओ प्लस 3λ/2 इस प्रकार से, और एंड सोन पी ओ प्लस 1λ/2, ये वाली टर्म्स आती है भैया। ठीक है, ये हमारे क्या है मतलब एक तरीके से आर्क खींच लिया हमने इन्हें रेडियस मान के, आर्क खींच लिए, त्रिज चाप खींच लिए, ठीक है चाप खींच लिए। ठीक है, जल्दी से बताओ डायग्राम में देख कर, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी। अब देखो एक बार ये कैसे आए हैं हमारे पी ओ प्लस λ/2, देखो भाई ये हमारे किस प्रकार से टर्म्स आई है एक बार ध्यान से समझो। देखो भाई एक बार ध्यान दो यहाँ पे मेरी बात पे, मैंने अभी यहाँ पे पहले वाले टर्म्स को उठा लेते हैं, पी ओ प्लस λ/2, पी ओ प्लस λ/2। अच्छा एक बात बताओ भैया, एक तो ये होगी, एक एक तो ये पी से लेके ओ तक की ये वाली ये होगी, तो भैया इसमें क्या आ रहा है, ये पार्ट डिफरेंस ना आ रहा, एक रास्ता तो ना तो ये भी तो है, एक रास्ता तो ये भी तो है, तो ये पार्ट डिफरेंस ही तो आ रहा है। तो मैंने क्या काम करा, पी को सेंटर पॉइंट मान के, पी को सेंटर पॉइंट मान के, और ए पे से ऐसे ऐसे आर्क लगा दी, एक यहाँ लगा दी फिर एक यहाँ लगा दी, इस तरीके से आर्क लगाता चला गया। मान लो ये तो एक वाला केस हो गया, मान लो दूसरे वाला यहाँ से आता, तो पहले जो यो वाली लाइन का केस कितना हो गया, पी ओ प्लस λ/2, क्योंकि भैया ये इसका पार्ट डिफरेंस का काम करेगा। अगर दूसरी वाली आती इस प्रकार से आती तो ये क्या रहती, पी ओ प्लस 2λ/2, अगर तीसरे वाली आती इस प्रकार से ऐसी, चौथे वाली आती ऐसे, तो ये चलता रहता हर बार। ठीक है भैया इस तरीके से, ठीक है जल्दी से बताओ यहाँ तक तो कोई दिक्कत समस्या ना आया किसी को भी। अच्छा अब मैं आपको कुछ कंडीशन बताने जा रहा हूँ, ठीक है भैया कुछ कंडीशन बताने जा रहा हूँ, इन कंडीशन को एक बार नोट कर लो। ठीक है तो इसमें ये वाली जो टर्म्स मैंने लिखी है एक बार इन कंडीशनों को एक बार नोट कर लो भैया, क्या मैं भैया पी पॉइंट पे इंटेंसिटी बतानी है, और पी क्या पी को पोल मान के, इसे सेंटर पोल मान के, इसे सेंटर पॉइंट रख के, ओ के रेस्पेक्ट में ये हमने क्या कर ली, आर्क लगा दी, रेडियस आर्क रेडियस खींच ली। ठीक है भैया तो यहाँ तक का एक बार देख लो। तो हमारे पास किस प्रकार से मैक्सिमम और मिनिमम आती है एक बार ध्यान से समझेंगे। अब ये वाली टर्म्स को एक बार देखो भाई, अगर मैं आपसे कह लगूं कि भैया अगर हम क्या मान के चले, इफ इफ ओ ए कंटेन, इफ ओ ए कंटेन हाफ हाफ पीरियड स्ट्रिप, हाफ पीरियड स्ट्रिप, हाफ पीरियड स्ट्रिप, यानी कि ओ ए को मैं क्या मान के चलूं, आधी पीरियड स्ट्रिप मान लो, तो उस केस में एम्पलीट्यूड देखना चाहता हूं मैं, देन एम्पलीट्यूड, देन एम्पलीट्यूड एट कैपिटल पी विल बी, यानी कि पी पॉइंट पे। एक बार देखो डायग्राम में, ओए को मैंने क्या मान ला, हाफ पीरियड स्ट्रिप मान ली, इसका डायग्राम के साथ ही अगर इसे देखते रहे ना ओए को, देखो देखो भाई अगर ये वाली टर्म्स को मैं, ए ये वाली टर्म्स को ऊपरले वाले को हाफ पीरियड स्ट्रिप्स है, ऊपरले वाली एक तो आधी ऊपर की होगी और एक नीचे की आधी होगी। ठीक है तो मैं अभी पूरी ऊपर का केस को दिखा रहा हूँ, क्या दिखा रहा हूँ, ऊपर के केस को दिखा रहा हूँ। तो ऊपर के केस में क्या टर्म्स रहोगी, मैक्सिमम मिनिमम देखो एक बार सभी, ठीक है भैया मैक्सिमम मिनिमम देखो। अगर मैं आपसे कहूँ पहले मैं जो निकाल के लेकर आया हूँ, देखो मैक्सिमम मिनिमम निकालने का तरीका देख लो एक बार सभी स्टूडेंट ध्यान से, मैक्सिमम मिनिमम निकालने का एक तरीका है,
अगर आधे वाली स्ट्रिप, क्योंकि आधा करा है, और पहले वाली स्ट्रिप को मैं जोड़ दूं, ठीक है भैया, पहले पहले आधी करके फिर एक और पूरी को जोड़ के, तो ये हमारी काम करती है फर्स्ट मैक्सिमा की। क्या काम करती है भैया? फर्स्ट मैक्सिमा की, फर्स्ट मैक्सिमा की, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से ध्यान दियो मेरी बात पे, अगर आगे चलता हूँ मैं, अगर मैं आगे चलता हूँ, अगर थोड़ा सा अगली टर्म्स को देखता हूँ, अगर मैंने कहा है आर वन बाई टू प्लस आर वन, यहाँ तक की तो पहली थी, अगर इसमें से भाई ये तो पहले वाला हो गया हमारा, ये पहली वाली मान लो वेव आगे बढ़ी, तो एक पहले वाला हो गया, तो अगले वाला इसका माइनस का मिलता है माइनस आर टू, तो जैसे ही माइनस आ गया तो इसे हम कह सकते हैं फर्स्ट मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, ठीक है भैया। मान लो कोई भी वेव आगे बढ़ती है एक बार, तो वो एक बार पीछे ने भी हटती है, तो आगे बढ़ने पे तो मैंने कह दिया आर वन बाई टू प्लस आर, आर वन बाई टू प्लस आर वन, और पीछे हटने पे तो है तो वही वेव, वही अगले वाली जो गई है, तो आर वन बाई टू प्लस आर वन, लेकिन पीछे हट रही है तो इसके साथ क्या कर दिया आर टू, इस प्रकार से, ठीक है। फिर अगले वाला केस देखो इसी प्रकार से, फिर ये वाला, ये वाली फिर आगे बढ़ेगी, ये वाली फिर आगे बढ़ेगी, तो आगे बढ़ेगी इसमें क्या ऐड कर देंगे आर थ्री, फिर ये वाली पीछे हटेगी, तो आर वन बाई आर टू, इस प्रकार से केस चलता रहे होगा। तो आर वन बाई टू प्लस आर वन माइनस के आर टू प्लस आर थ्री, ये किसका केस हो जाओगा? सेकंड मैक्सिमा का, सेकंड मैक्सिमा का, ठीक है भैया, इस प्रकार से। फिर ऐसे ही इसका आर वन बाई टू प्लस आर वन माइनस के आर टू प्लस आर थ्री, अगर इसमें से आर फोर सब्ट्रैक्ट हो रहा तो ये किसका केस बन जाओगा? सेकंड मिनिमम का, इसका सेकंड मिनिमम का। आप ये वाली थोड़ी सी थ्योरी और ये डायग्राम वहाँ पे बना के आ जाएंगे, ठीक है भैया, जल्दी से एक बार थंब कर दो। और जो इसका मेन काम है, जो इसका मेन काम है वो अब आ रहा है डेरिवेशन। ये तो इसका थ्योरेटिकल पोर्शन था, मतलब एक बार पढ़ने का, ठीक है, एक बार सभी थम कर दो। अब चलेगा इसका मेन काम, ठीक है भैया, अब चलेगा इसका मेन काम, एक बार सभी थम कर दो भैया यहां तक का नोट करने के बाद। ठीक है, ये तो इसकी डायग्राम की थ्योरी थी, वो तो आपके नोट्स में भी लिखी हुई है, अच्छे से पढ़ लोगे, कोई दिक्कत समस्या ना। लेकिन देखो डायग्राम, पहले तो आपको डायग्राम बनाना अच्छे से, और डायग्राम में कौन कौन सी चीजें क्या दे रखी है वे, ठीक है, इसके बाद क्या बताना है ये वाली टर्म्स लिख देनी है बस। और जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ वो वाला सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इस वाली टर्म्स के बिना ये डेरिवेशन नहीं माना जाने का, ठीक है। तो अब देखो थोड़ा ध्यान से, अब देखो थोड़ा ध्यान से इस डेरिवेशन को। अगर मैं आपसे कह लगूं ये है भैया हमारी टर्म्स, ये अच्छा डेरिवेशन यहाँ से जो है, ये वाला डेरिवेशन इसे यहाँ से पूछना था उसे कि विथ कितनी होगी, विथ ऑफ डिफ्रैक्शन एज, विथ ऑफ डिफ्रैक्शन एज, विथ ऑफ डिफ्रैक्शन एज, ठीक है भैया, यानी कि विवर्तन जो ये हमारे पास फ्रिंज आई है इनकी चौड़ाई कितनी आएगी, विवर्तन फ्रिंजों की, विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक है भैया, ये निकालने हैं विवर्तन फ्रिंजों की चौड़ाई, ठीक है। अब मैं एक बार क्या बता रहा हूँ आपको, थोड़ा ध्यान दियो भाई मेरी बात को, ठीक है, ये इसकी स्टेप थ्योरी है। जो पी पॉइंट है उसे किससे मिला देंगे, ए से मिला देंगे, पी पॉइंट को ए से मिला देंगे। चलो मैं एक बार छोटा सा डायग्राम और बना देता हूँ, जिससे कि आपको बार बार पीछे देखने की जरूरत ना पड़े, एक छोटा सा डायग्राम और बना देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एस था, ठीक है, और ये हमारी एक्स और वाई थी, एक्स और वाई थी, तो इस प्रकार से ये हमारी स्लिट जा रही थी, और यहाँ पर हमारा ये इसे टू उसमें डिवाइड कर रहा था, ठीक है भैया। ये हमारा रेजर ब्लेड था यहाँ पर ए और बी, मान लो ए ये था इसके कोने वाला ए आई ओ, ठीक है, ए, और ये नीचे बी है, और ये वाला हमारा पी पॉइंट था, ठीक है भैया। और यहाँ पर हमारा जो है ये वाला ए है भैया, यहाँ पे क्या है ये
ए है यहाँ पर, ये ए है ठीक है, ए को अब पी से मिला देंगे इस प्रकार से, ठीक है ये वाली बात हो रही है ठीक है भाई, ए को पी से मिला देंगे तो अब देखेंगे भाई, ए को पी से मिला देंगे तो अब हमें क्या देखना है कि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी मैक्सिमा या मिनिमा होगी या नहीं होगी, हमें ये चेक करना है कि पी पॉइंट पे इंटेंसिटी कितनी होगी। अब पी पॉइंट पे इंटेंसिटी यदि हमारी आ गई तो आराम से विथ भी इसकी अच्छे से निकल जाओगी। अच्छा एक बात बताओ सभी स्टूडेंट एक बार कि इसका पार्ट डिफरेंस कितना है, ए एक तो होगी ए से पी तक की, एक होगी यहाँ पे ओ है भैया, जो हमारा यहाँ पे ओ है और यहाँ पे हमारा ओ डैश है ठीक है भैया, यहाँ पे डायग्राम में करेक्ट कर लियो, यहाँ पे तो ये वाला तो हमारा ओ डैश है, ये बीच वाला ए है, ऊपरले वाला ये ओ है ठीक है। तो एक यहाँ से इस पॉइंट पी पॉइंट पे इंटेंसिटी देखते हैं तो पार्ट डिफरेंस देख लो एक बार ये, तो पार्ट डिफरेंस कैसे निकालना है, ज्यादा में से कम वाला सब्ट्रैक्ट करके, कैसे एपी में से है क्या सब्ट्रैक्ट कर दो, एपी में से है एपी में से ओपी सब्ट्रैक्ट कर दो, तो पहले एपी में से ओपी सब्ट्रैक्ट कर दिया और कौन सा केस लगा दो, 2n+1 लैम्डा बाई 2, ये किसका केस था हमारा मैक्सिमा और मिनिमा का केस थे ठीक है। और दूसरा ऐसी केस लगाओ एपी माइनस ओपी इज इक्वल टू 2n λ/2, ये टर्म्स थी ना भैया हमारे, 2 से 2 कट जाओगे वही 2n दिखा रहा है। तो भैया ये हमारे पास कौन कौन सी टर्म्स थी, इसे मैंने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये क्या कह दिया इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारी मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन थी ना थी, जल्दी से एक बार थप कर दो भैया, क्या ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन नहीं थी हमारी, जल्दी से बताओ ये मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन थी या ना थी, जल्दी से ठीक है। इन्हें हमने कह दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड ठीक है। अब देखो थोड़ा सा अगर मैं आपसे कह लगूं एक बार उसे देखो एस से लेकर ए तक की कितनी डिस्टेंस है, तो आप कहोगे स्मॉल ए, आप कहोगे कैपिटल ए से लेकर एम तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है स्मॉल पी ठीक है, और एम से लेकर पी तक के बीच की डिस्टेंस कितनी है एक्स, तो जल्दी से उस डायग्राम में पाइथागोरस थ्योरम लगा के ए पी की वैल्यू निकाल लो। तो क्या ए पी का स्क्वायर इजिकल टू, चेकआउट करके बताओ, एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर होगा या ना होगा, जल्दी से एक बार देखो, अगर ये हो रहा है तो आप अपने डायग्राम में एक बार टिक कर लो ये वाली बात। तो ए पी का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या करेगा, इस पर अंडर रूट कर देगा इस तरीके से, तो ए एम का स्क्वायर प्लस एम पी का स्क्वायर ठीक है, और इसमें ये टर्म्स रख दो जल्दी 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 से, ये वाली सारी टर्म्स रख दो यहाँ से, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी चेकआउट करके देखो भैया, जैसे आप ये वाली वैल्यू रखोगे तो आपकी ये टर्म्स बनेगी पी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और अंडर रूट की टर्म्स को मैं कैसे लिख लूँगा 1/2, अंडर रूट की टर्म्स को कैसे लिख लूँगा 1/2, तो ये हमारे पास ए पी की टर्म्स आई है। तो भैया ए पी को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो आगे चल के, क्योंकि इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगानी, तो जैसे ही आप पी स्क्वायर को मान लोगे 1/2 आ जाओगे इसका भार भी इस प्रकार से, तो यहाँ पे हमारी टर्म्स बन जाएगी एक्स 1+x² / p² और इसकी पावर कितनी 1/2, तो इससे 2 से 2 कट जाओगा, तो ए पी की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, ए पी की वैल्यू आ जाओगी, और इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा दो भैया, क्या लगा दो बायनोमियल थ्योरम, बायनोमियल थ्योरम 1/2 को इस सेकेंड स्टेप में ले आती है, तो 1+1/2 x² / p² ठीक है एंड सोन इस तरीके से। तो हायर टर्म्स को छोड़ दो और कम वाले टर्म्स को ले लो बस ऐसे, पी को इसमें अंदर मल्टीप्लाई करके, क्या ये आपकी टर्म्स बन गई, किसकी वैल्यू बनी है ये आपकी ए पी की ठीक है, एक बार नोट कर लो यहाँ तक का ठीक है। अब हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई ए पी की, अब ए पी की जैसे ही हमारे पास टर्म्स आ गई तो हम OP की वैल्यू निकाल सकते हैं, OP एक बार देखना डायग्राम में SP माइनस OSO है या ना है, और SP तो ऐसा का ऐसी, और SO जो है लगभग भी किसके इक्वल हो रहा है वो हमारा SA के, देख लो एक बार डायग्राम में टर्म्स, तो जल्दी से यहाँ से क्या काम करो, SP वाली टर्म्स में क्या लगाओ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, SP वाली टर्म्स में क्या लगा दो पाइथागोरस थ्योरम लगा दो ठीक है, जल्दी से ओपी की वैल्यू भी यहाँ से निकाल लो, और इसमें एसपी वाली टर्म्स में पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगेगी डायग्राम में देख लो, एस एम स्क्वायर
एमपी का स्क्वायर का, जैसे हमने यहाँ पे क्या करा, पाइथागोरस थ्योरम लगा दी इस प्रकार से माइनस के एस से, तो मैं ये स्टार लगा रहा हूँ यहाँ पे, ये स्टार, जिससे कि आपको पाइथागोरस थ्योरम का पता लग जाए। यहाँ पे क्या लगाया, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है भैया। तो पाइथागोरस थ्योरम जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी, जल्दी से बताओ। ओपी की वैल्यू निकालने में कोई दिक्कत समस्या तो ना है, जल्दी से आप वैल्यू निकाल दो ओपी की। हमारे पास एपी की वैल्यू भी आ जाएगी यहाँ से और ओपी की भी आ जाएगी, फिर तो हम पार्ट डिफरेंस आसानी से निकाल सकते हैं। जल्दी से निकाल लो भैया एक बार, जल्दी, ठीक है, जल्दी निकाल लो इसका पार्ट डिफरेंस, जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी यहाँ तक। और जैसे ही आप इसकी ओपी की वैल्यू निकाल लोगे, वैल्यू रखो जल्दी जल्दी, कितनी बनी, आप कहोगे इसकी वैल्यू ए प्लस पी का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इसकी पावर कितनी बनी होगी, 1/2, और एस से की वैल्यू होगी आपकी ए, और ओपी की भी ठीक इसी प्रकार से ए प्लस पी का वो काम करके, और इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, वो बायनोमियल थ्योरम लगने के बाद में ये टर्म्स कुछ इस प्रकार की होगी होगी हमारी, ठीक है। बायनोमियल थ्योरम इसमें लगाएंगे अभी, तो 1/2 माइनस के ए कुछ इस तरीके से होगी होगी। चेकआउट करो जल्दी से बताओ, कोई दिक्कत समस्या तो ना किसी को भी हद तक ओपी की वैल्यू तक। जल्दी से इसे और सिम्प्लीफाई करो, ठीक है। इसे सिम्प्लीफाई करने के बाद एक जो हमारी टर्म्स बनेगी, वो टर्म्स बनेगी इसे सिम्प्लीफाई करने के बाद। जल्दी से बताओ, क्या ये टर्म्स आ गई आपकी, पी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस पी। तो मैंने क्या करा, इसमें बायनोमियल थ्योरम लगा दी, कैसे ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, और इसे सिम्प्लीफाई कर दिया एपी के अंदर मल्टीप्लाई करके, ठीक है। जल्दी से बताओ, क्या ये टर्म्स आ गई आपकी, बिल्कुल आ गई होगी। जब आपके पास किस किस की टर्म्स आ गई, आपके पास एपी की वैल्यू भी आ गई थी, आपके पास किसकी वैल्यू आ गई थी भैया, एपी की भी आ गई थी आपके पास, और किसकी टर्म्स आ गई, ओपी की। तो आपको क्या करना भैया, आपके पास किसकी टर्म्स आ गई, ओपी की भी आ गई और एपी की भी आ गई। एक तो एपी की टर्म्स ये आ गई थी और ओपी की टर्म्स ये आ गई थी। अब तो क्या करना, यहाँ पर रख देना इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में, ठीक है भाई। क्या करना, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में रख दो और सिम्प्लीफाई करो जल्दी से सिम्प्लीफाई करके बताओ मुझे क्या टर्म्स बने आपके, ठीक है, जल्दी से। तो अब यहाँ से एपी माइनस ओपी निकाल लो, एपी माइनस ओपी आप चेकआउट करोगे टर्म्स, तो जल्दी बताओ क्या बने, पी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू पी माइनस के पी प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन टू ए प्लस पी, इस प्रकार से बनी होगी आपकी। और इसे जब आप सिम्प्लीफाई करोगे तो आपकी ये बननी चाहिए टर्म्स, ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू पी ए प्लस पी, ये टर्म्स बननी चाहिए आपकी, ठीक है भैया। तो ए पी माइनस ओ पी ये टर्म्स आ गई, ठीक है, ए पी माइनस ओ पी ये टर्म्स बननी चाहिए हमारी, ठीक है। और अब क्या करोगे आप, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख के मैक्सिमा का केस निकाल लो भाई, इक्वेशन फर्स्ट में रख के मैक्सिमा का केस निकाल लो, ठीक है भाई, बाई इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। जल्दी से रखो भाई एक बार, तो यो ए एक्स स्क्वायर अपॉन टू पी, और ए प्लस पी को किसके इक्वल लग देंगे, यहाँ से 2n+1 λ/2 के इक्वल लग दो, इसके इक्वल लग दो, और जल्दी से x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, √p a + p अपॉन a और 2n+1 λ, ये टर्म्स बनी होगी कुछ आपकी x की वैल्यू, क्या बनी होगी आपकी x की वैल्यू, ये टर्म्स बनी होगी, ठीक है। और बस फिर क्या करना है आपका, इसी प्रकार से मैं सारी चीज़ को कॉन्स्टेंट मान लूँ, तो मेरे कुछ इस प्रकार से टर्म्स आ जाएगी 2n+1, ठीक है भाई। बाकी सारी टर्म्स को मैंने क्या मान लिया, एक कॉन्स्टेंट टर्म्स मान लिया, ठीक है भैया, क्या मान लिया, एक कॉन्स्टेंट टर्म्स मान लिया के, ठीक है, कोई दिक्कत समस्या ना यहाँ तक।
तो जैसे हमारे पास ये एक्स की वैल्यू आ गई भैया, ठीक है, अब यहाँ से नंबर वाइज है एन की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रख के यहाँ से किस किस की वैल्यू निकाल लो, एक्स वन की, एक्स टू की, एक्स थ्री की। तो आप जल्दी से टर्म्स की वैल्यू निकाल लो भाई, क्या बनी आपकी जल्दी बताओ मुझे, और यहाँ से निकाल लो एक्स फोर की, और फिर इनके बीच का डिफरेंस निकाल लो, ठीक है। यहाँ से के आ जाओगा, और यहाँ से आप क्या हो गए के अंडर रूट थ्री, और यहाँ पे आ गए होगे के अंडर रूट फाइव, और एक्स फोर की आपके क्या होगी होगी के अंडर रूट सेवन, कुछ इस प्रकार से आ गई होगी। तो इसमें इंटरवल निकाल लो भैया इसका, इंटरवल कैसे निकालते हैं, अगले वाले में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करने के बाद कैसे निकालते हैं इंटरवल, अगले वाले में से पिछले वाले को सब्ट्रैक्ट करने के बाद, तो एक्स टू माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी आ गई होगी, तो आपकी आ गई के अंडर रूट थ्री माइनस वन, और इसे सिम्प्लीफाई करोगे 0.73 के, ये टर्म्स बन गई होगी। ठीक इसी प्रकार से एक्स थ्री माइनस एक्स टू क्या बन गया होगा, यहाँ से के अंडर रूट फाइव माइनस अंडर रूट थ्री इजिकल टू क्या बन गया होगा 0.50 के, ये टर्म्स बनी होगी। और इसी प्रकार से एक्स फोर माइनस एक्स थ्री आपका क्या निकल गया होगा, के अंडर रूट सेवन माइनस अंडर रूट फाइव, तो हमारी टर्म्स बनी होगी 0.43 के, ये टर्म्स बनी होगी भैया, ठीक है। तो आप ये टर्म्स देख रहे होगी एंड इंटरवल इनका आपस में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, इंटरवल कैसा हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है भैया। जल्दी से बताओ क्या ये टर्म्स बन गया आपके, क्या ये वाली टर्म्स बन गया आपके। तो ये कुछ इस प्रकार से हमारा इंटरवल आ रहा है, जो लगातार घटता जा रहा है, ठीक है। एक बार सभी थम कर दो, यहां तक तो कोई दिक्कत समस्या ना। अब रही बात बस वेवलेंथ कैसे निकाल लेंगे इसकी, तो एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में ही था ना, है भाई सबसे लास्ट में था ना वो, कि इसकी वेवलेंथ कैसे निकालते हैं, क्वेश्चन में सबसे शुरुआत में क्या रखी थी उसने, क्या कह रखी थी, ये कह रखा ना, तो ये तो तीव्रता निकल के आगे, उसने इसमें कह रखा था कि आप प्रकाश की तरंग दैर्ध्य के लिए कैसे निर्धारण करेंगे, ठीक है भैया। ये तो बता दिया सब कुछ हमने, अब हम क्या दिखाएंगे इसका इंटेंस, वो लैम्बडा कैसे निकाल लेंगे, ठीक है भैया। तो लैम्बडा कैसे निकाल लोगे, यहाँ पे लिखेंगे हेडिंग डिटरमिनेशन, डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ, डिटरमिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश की, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निर्धारण, तरंग दैर्ध्य का निर्धारण, प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का निर्धारण कैसे कैसे करेंगे, ठीक है भैया। तो कैसे भी ना करना, एक्स एन की वैल्यू में से एक्स वन घटा दो और आप इसकी लैम्बडा टर्म्स को निकाल सकते हो। तो एक्स एन कैसे निकाल लेंगे, वो जो पुरानी टर्म्स थी एक बार एक्स एन वाली देख लो, पी ए प्लस पी अपॉन ए और 2n प्लस 1 लैम्बडा माइनस अंडर रूट पी ए प्लस पी अपॉन ए और ये लैम्बडा, ठीक है भैया। और यहाँ से किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो भैया इसे, तो अंडर रूट पी ए प्लस पी और अपॉन ए और लैम्बडा और 2n प्लस 1 अंडर रूट में 2n प्लस 1 माइनस वन। तो यहाँ से किस प्रकार से, यहाँ पे ये लैम्बडा टर्म्स आ गई, यहाँ से हम लैम्बडा इस प्रकार से निकाल सकते हैं, ठीक है भैया। तो आप इस प्रकार से इसे सॉल्व कर लोगे, पूरा क्वेश्चन आप इसे प्रिपेयर कर लोगे, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही काफ़ी, ऑल द बेस्ट सभी को।